स्वागत है आप सभी का फैक्टेक जोन में। तो आज आपके लिए हम लेके हैं बहुत ही महंगी सब्जी। हमने आपने ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये 200 रुपये किलो हमने और आपने खाया होगा सब्जी, पर यहाँ पर बात हो रही है भारत की वो महंगी सब्जी जो बिकती है 30,000 रुपये प्रति किलो। जी हाँ, और विदेशों में है बहुत इसकी डिमांड। आमतौर पर जहाँ 100 से 200 रुपये किलो मिलने वाली सब्जियाँ महंगे लगने लगते, वहीं ज़रा सोचे कि अगर कोई सब्जी 1,000 रुपये किलो मिल ले तो आप क्या करेंगे। जी हाँ, भारत में एक ऐसी ही सब्जी है जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी महंगी सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खरीदने के बारे में आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। दरअसल इस सब्जी का नाम है गुच्छी, जो हिमालय पर मिलने वाली जंगली मशरूम की प्रजाति है। बाजार में इसकी कीमत 25 से 30,000 रुपये किलो है। गुच्छी भारत में मिलने वाली दुर्लभ सब्जी है जिसकी विदेशों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इस सब्जी के दाम को देखकर लोग मजाक के तौर पर बातें करते हैं और कहते हैं कि अगर गुच्छी की सब्जी खानी है तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। गुच्छी में पाए जाने वाले औषधीय गुण दिल की बीमारियों को दूर करते हैं, और इसके अलावा यह सब्जी शरीर को कई अन्य प्रकार का पोषण देती है। गुच्छी एक तरह से मल्टी विटामिन की प्राकृतिक गोली है। यह सब्जी फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच मिलती है, जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां और होटल इसे हाथों हाथ खरीद लेते हैं। अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, स्विट्जरलैंड और इटली में गुच्छी की सब्जी खाना लोगों को काफ़ी पसंद है। हालांकि इस जंगली सब्जी को इकट्ठा करने के लिए जान जोखिम में डालकर पहाड़ पर बहुत ऊपर जाना पड़ता है, और इस सब्जी को बारिश के दौरान जमा कर सुखाया जाता है, जिसके बाद इसे उपयोग में लाया जाता है। और पाकिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ों पर भी गुच्छी की सब्जी उग जाती है। पाकिस्तान के लोग भी इसे सुखाकर विदेशों में बेचते हैं। और इस सब्जी को लेकर के एक बड़ी रोचक कहानियाँ एक किंवदंती एक प्रचलित है। कहा जाता है कि जब पहाड़ों पर तूफान आती है और उस समय बिजली गिरती है तो गुच्छी के फसल पैदा होते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और आप सब्सक्राइब कीजिए फैक्टेक जोन। सो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।